सास बहू पार्ट 10। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सास बहू के बीच का सीज फायर खत्म हो चुका था। यही नहीं, जहर भरा आचार दोनों की किस्मत बनते बनते रह गया और इन दोनों की दुश्मनी के चक्कर में इनका बेटा मरते मरते बचा। अगर ये एपिसोड नहीं देखा है तो जरूर देखिए। अब कहानी आगे बढ़ती है। आज होली का दिन है। वैसे दिन कोई भी हो, सास बहू के लिए तो हर दिन एक दूसरे को किसी न किसी कारण से परेशान करने का दिन होता है। कभी सास कभी बहू कोई न कोई तरीका ढूंढ लेते हैं एक दूसरे का जीना हराम करने का। तो चलिए देखते हैं कि सुबह सुबह बहू सास के बाथरूम में जाकर पानी में लाल रंग क्यों मिला रही है। सास सोकर उठती है और मुंह धोने के लिए पानी अपने चेहरे पर डालती है और जैसे ही उसके चेहरे पर पानी पड़ता है, सास का मुंह लाल हो जाता है। पहले तो सास अपना मुंह देखकर खुद ही डर जाती है, फिर उसे समझ में आ जाता है कि हो न हो यह सब बहू का किया धरा है। वह अपने कमरे से बाहर गुस्से में निकलते हुए बोलती है, तेरा सत्यानाश हो जाए बहू, कभी तो अपनी औकात में रहना सीख ले। डायन भी कुछ घर छोड़ देती है, पर तू एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ती जब तुम मेरी जान के पीछे ना पड़ी हो। क्या हो गया सासू माँ? क्या हो गया बोल रही हो? मेरी शक्ल नहीं दिखाई देती? लाल मुंह की बंदरिया लग रही हूँ बंदरिया। अरे सासू माँ, मुझे तो लगा आपका रंग लाल हो रहा है खुशी के कारण। ऐसी कौन सी खुशी दी है तूने मुझे पिछले 10 सालों में कि मेरा रंग लाल हो जाएगा? अरे सासू माँ छोड़िए, जाने भी दीजिए, वो कहते हैं ना बुरा ना मानो होली है। अच्छा तो तू ही यह मान रही है कि यह सब तूने किया है? बुरा ना मानो होली है सासू माँ, मैंने आपके चेहरे पर लाल रंग का इंतजाम इसलिए किया कि आपका चेहरा कभी तो अच्छा लगे, वरना सुबह सुबह रोज यही मनहूस चेहरा देखना पड़ता है जिस पर ना तो चमक है ना कोई रंग। आज देखिए मैंने लाल रंग लगा दिया और आपका चेहरा चमक रहा है। एक बार फिर से कहती हूँ, बुरा ना मानो होली है। तेरा सत्यानाश हो जाए बहू, इसका बदला मैं जरूर लूँगी। आपको जो लेना है ले लीजिएगा, मुझे काम है, आपके जैसे फोकट में तो नहीं हूँ। चलिए चलती हूँ। ये कहकर बहू चली जाती है और सास इस प्लान में लग जाती है कैसे बहू से बदला लिया जाए। सास के दिमाग में एक आइडिया आता है, वह तुरंत जाकर पास के ही बाजार से भांग लेकर आ जाती है और बहू के खाने में मिलाते हुए बोलती है, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। बहुत जबान चल रही थी ना तेरी, अब इस भांग को खाने के बाद तेरी जबान ही नहीं तेरा पूरा शरीर चलना बंद हो जाएगा। तब मैं तुझे बताऊंगी कि बुरा ना मानो होली है क्या होता है। सास बहू के खाने में खूब सारी भांग मिला देती है और इससे पहले कि बहू उसे देखे वो किचन से भाग जाती है। बहू अपने नियमित समय पर किचन में खाना खाने आती है और खाना खाने के बाद बहू को धीरे धीरे नशे का एहसास होने लगता है और वही किचन में ही धड़ाम से गिर जाती है। जब सास को बहू के गिरने की आवाज आती है तो सास किचन के अंदर जाती है और बहू के माथे पर लिख देती है, बुरा ना मानो होली है। अगर यह सामान्य घर होता, अगर यह सामान्य सास बहू होती तो कहानी यही खत्म हो जाती, पर आप तो जानते हैं चोरी चोरी से जाए पर सीना जोरी से ना जाए। इसका मतलब है कि जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। जब बहू को होश आता है तो लगभग शाम हो चुकी है। बहू को याद आता है कि जब वह खाना खाने गई थी तो भरी दोपहर थी। फिर उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि उसे भांग भरा खाना दिया गया और जब वह बाथरूम में जाकर अपने चेहरे पर पानी डालती है तो उसे अपने चेहरे पर लिखा दिखाई देता है, बुरा ना मानो होली है। ये देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वह सास से बदला लेने के लिए प्लान बनाने लगती है। बहू को लगता है कि सास ने उसके खाने में भांग मिलाई, इसका बदला
सास के खाने के साथ लिया जाना चाहिए। उसे पता है कि सास को भजिया बहुत पसंद है, तो बहू बहुत सारी भजिया बनाती है और उसमें जुलाब की गोली जी भर के डालती है, ताकि भजिया खाने के बाद सास रात भर टॉयलेट की यात्रा करते रहे। वह भजिया ले जाकर सास को देते हुए कहती है, मेरी प्यारी सासू माँ, जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। आपने जो किया मैं भूल गई, मैंने जो किया आप भी भूल जाइए। मैं आपका दिल खुश करने के लिए आपकी मनपसंद भजिया बनाकर लाई हूँ। आज सूरज कहाँ से निकला है? इस करमजली को मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? जो औरत मुझे दिन का खाना नहीं देती सही से, वह मेरी फेवरेट डिश बनाकर खिलाएगी? जरूर दाल में कुछ काला है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बिटिया, मैं जरूर खाऊंगी। तुम जरा पानी ले आओ। अभी लाई सासू माँ। सास समझ जाती है कि हो ना हो बहू ने भजिया में कुछ मिलाया तो है, तभी प्यार से खिलाने आई है। मोहल्ले में होली की पार्टी हो रही होती है। उस पार्टी में सभी अपने घर से कुछ न कुछ खाने का बनाकर लाए होते हैं। सास बहू के द्वारा बनाया गया भजिया का कटोरा वहाँ जाकर रख देती है और पूरा मोहल्ला उस कटोरे से निकाल निकाल कर भजिया बड़े चाव से खाते हैं। और जिस बात का इंतजार था वही बात होती है। जुलाब की गोलियाँ अपना असर दिखाने लगती है। जो कांड सास बहू के घर में होना था वह मोहल्ले के हर घर में होने लगता है। मोहल्ले के हर घर में लोग टॉयलेट यात्रा में लग जाते हैं। बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि हर टॉयलेट के सामने लंबी लंबी लाइनें लगने लगती हैं और कुछ लोग तो टॉयलेट में एंट्री ना मिलने के कारण पैंट गीली या पीली करने लगते हैं। और दूर खड़ी सास बहू यही देख रही होती है। उनकी दुश्मनी के कारण आज मोहल्ले को उस गलती की सजा भुगतनी पड़ी है जो कभी उन्होंने की ही नहीं। सास बहू की दुश्मनी के कारण बेचारा तीसरा हमेशा मारा जाता है। इस बार मोहल्ले की बारी थी, पता नहीं अगली बार किसकी बारी आएगी। यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और अगला एपिसोड जरूर देखें। एक बार एक जंगल में जंगल का राजा शेर बहुत परेशान था। वो शिकार करके थक चुका था। एक दिन उसने सारे जानवरों को बुलाया और एक फैसला सुनाया। शेर ने कहा, मेरे भोजन के लिए रोज एक जानवर अपने आप मेरे पास आ जाए। सभी ने इस आदेश का पालन करना शुरू कर दिया। आज खरगोश की बारी थी। वो बहुत दुखी था। जब वो शेर के पास जा रहा था तब रास्ते में उसे एक पुराना कुआं मिला। कुआं बहुत ही गहरा और खतरनाक था। तब उसने एक तरकीब सोची। शेर गुस्से में था क्योंकि आज कोई भी जानवर उसके पास नहीं आया था। काफी देर बाद खरगोश आया और डरते हुए शेर के पास पहुंचा। शेर ने गुस्से में दहाड़ा और पूछा, तुमने आने में इतनी देर क्यों लगाई? खरगोश ने विनम्रता से जवाब दिया। वो बोला, महाराज, रास्ते में एक दूसरे शेर ने मुझे पकड़ लिया था। जैसे तैसे मैं अपनी जान बचाकर आपके पास पहुंचा हूं। तब शेर का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन दूसरे शेर की बात से वो फिर क्रोधित हो गया। उसने गुस्से भरी आवाज में पूछा, क्या तुम जानते हो वो कहाँ रहता है? खरगोश ने कहा, हाँ महाराज, आइए मेरे साथ। खरगोश शेर को पुराने कुएं के पास ले गया और बोला, वो शेर यही रहता है महाराज। शेर ने कुएं में झांक कर देखा। उसने अपनी परछाई को दूसरा शेर समझा। जब शेर ने दहाड़ा तो आवाज पलट कर आई। उसे लगा दूसरा शेर उस पर दहाड़ रहा है। गुस्से में आकर शेर कुएं में कूद पड़ा और मर गया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमती ही सबसे बड़ी शक्ति है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।